Myself, प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट. आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जिसको बोलते हैं लेबर. लेबर का पहला पार्ट क्या होती है इसके बारे में चलते हैं. सबसे पहली बात है डिलीवरी किसको बोलते थे. डिलीवरी किसको बोलते हैं कि जब एक फिटस वायबल फिटस जब यूट्रस से जब एक्स्ट्रा यूट्राइन एरिया में जब वो ट्रांसफर होती है तो उसको हम डिलीवरी बोलते हैं. यानी कि ऐसा फिटस जो वायबल फिटस हो और उसको यूट्रस से बाहर एक्सटर्नल यानी एक्स्ट्रा यूट्राइन के एनवायरमेंट में ट्रांसफर करने को हम लोग क्या बोलते हैं डिलीवरी बोलते हैं. दो तरह का डिलीवरी होता है. एक होता है वेजाइनल डिलीवरी और एक होती है एब्डोमिनल डिलीवरी. वेजाइनल डिलीवरी का मतलब कि जिस फिटस को वेजाइना के रास्ते से बाहर करते हैं उसको वेजाइनल डिलीवरी बोलते हैं. जिस फिटस को एब्डोमेन के सहारे सीजेरियन के सहारे एब्डोमेन के इंसीज करके जब उस फिटस को बाहर करते हैं उसको हम लोग एब्डोमिनल डिलीवरी बोलते हैं. वेजाइनल डिलीवरी जब वेजाइनल का डिलीवरी जब अपने आप होता है जब उसमें बॉडी में मेहनत लगता है उसको हम लेबर डिलीवरी बोलते हैं. या लेबर के बाद लेबर के द्वारा जब डिलीवरी होती है उसको हम बोलते हैं लेबर बोलते हैं लेबर डिलीवरी बोलते हैं. और जब जिस वेजाइनल डिलीवरी में जब हम मेडिसिन के सहारे जिसको इंड्यूस डिलीवरी बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट के सहारे फोर्सेप्स डिलीवरी बोलते हैं निगेटिव प्रेशर के सहारे जिसको हम वैक्यूम डिलीवरी बोलते हैं वह अबनॉर्मल लेबर कहलाता है. बात अभी हम लोग करने जा रहे हैं नॉर्मल लेबर के बारे में बात करने जा रहे हैं. लेबर किसको बोलते हैं नॉर्मल लेबर. तो एक्सपल्सन ऑफ फिटस एक्सपल्सन ऑफ मैच्योर फिटस एक्सपल्सन ऑफ वायबल फिटस फ्रॉम यूट्रस बाई एक्सपर्ट ऑफ या एग्जर्टेड फ्रॉम मैटर्नल प्रेशर एंड मैटर्नल एक्सपर्ट जिस कंडीशन आर नोन एज नॉर्मल लेबर. यानी जब लेबर के सहारे यानी किसी मेहनत के सहारे इवेंट के सहारे किसी प्रोसेस के सहारे जब फिटस का जब एक्सपल्सन होता है मदर के यूट्राइन कैविटी से जिसको हम लेबर बोलते हैं. यह लेबर किसको नॉर्मल लेबर किसको बोलते हैं. नॉर्मल लेबर का पांच कैरेक्टर होता है. पहला जो अपने आप होता है जिसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस. नंबर टू बिना किसी ऐड का कोई भी उसमें एडिशन नहीं होना चाहिए ना इंस्ट्रूमेंट ना मेडिसिन ना प्रेशर. तो जब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का जब या बिना किसी मेडिसिन का करते हैं दूसरा कैरेक्टर. नंबर थ्री वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो माने वर्टेक्स हो. नंबर फोर फुल टर्म है टर्म फुल हो. और नंबर फाइव नो एनी कॉम्प्लिकेशन. यानी पांच कैरेक्टर नॉर्मल लेबर का क्या क्या. स्पॉन्टेनियस हो बिना किसी एडिशन का हो किसी ऐड का हो. नंबर थ्री वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में है. नंबर फोर फुल टर्म पे हो. और नंबर फाइव कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो ना मदर में ना ही फिटस में चाइल्ड में. इसको हम लोग क्या बोलते हैं कैरेक्टर ऑफ नॉर्मल लेबर. अगला पार्ट होता है फैक्टर. नॉर्मल लेबर के लिए तीन फैक्टर होता है. इसको बोलते हैं थ्री पी बोलते हैं थ्री पी फैक्टर. तो पहला डिफिनेशन समझ में आ गया दूसरा कैरेक्टर समझ में आ गया तीसरा फैक्टर होती है. तो पहला पी का मतलब होता है पावर एक्सपोर्ट बाय मदर. पावर बाय मदर के द्वारा जो पावर लगता है उसको बोलते हैं पावर. जो फोर्स लगता है क्योंकि जब तक मदर फोर्स डेवलप नहीं करेगी तब तक यह प्रोसेस संभव नहीं है. इसलिए पावर रहना बहुत जरूरी है. इसमें मदर में स्ट्रेंथ रहना बहुत जरूरी है. तो ये पहला होता है पावर. दूसरा पी होता है वो होता है पाथ. पाथ का मतलब क्या होता है यहाँ पे वेजाइनल कैनाल से वेजाइनल कैनाल. यानी कि दूसरे नंबर पे दूसरा जो पी होती है उसको बोलते हैं पाथ बोलते हैं. यानी जो पाथ है यह एक सही पाथ होना चाहिए जिसमें इंटरनल ऑस 13 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए डायमीटर. एक्सटर्नल इंटरनल ऑस नहीं इन जो उसको बोलते हैं पेल्विक इनलेट बोलते हैं और पेल्विक आउटलेट जो है वह 11 सेंटीमीटर होना चाहिए. यानी कि यह डायमीटर अगर नहीं हो पाएगी
तो उस केस में भी यह संभव नहीं हो सकती है, यानी पाथ जो है ये प्रॉपर होना चाहिए, पेल्विक इनलेट 11 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर और पेल्विक आउटलेट 13 सेंटीमीटर, ये होना चाहिए मेरा एक डिस्टेंस डायमीटर, तभी जाकर के ये संभव हो सकता है। और तीसरे नंबर पर होती है पैसेंजर, मतलब क्या होता है चाइल्ड, मतलब कि जो फीटस का जो पोजीशन है यह कैसा होना चाहिए, इसका प्रेजेंटेशन वर्टेक्स में है, वर्टेक्स या ब्रीच है या कैसा प्रेजेंटेशन है, इसके साथ साथ वर्टेक्स में भी अगर है तो वह कौन सा पोजीशन है, कि वर्टेक्स में भी ऑक्सीपिट प्रेजेंटेशन है, ब्रॉ प्रेजेंटेशन है, फेशियल प्रेजेंटेशन है, उसमें वर्टेक्स में भी 8 प्रेजेंटेशन होती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे आपको, हम प्रेजेंटेशन को लेकर के हम आगे चलेंगे वो कौन कौन सा प्रेजेंटेशन होता है। तो ये प्रेजेंटेशन पे निर्भर करता है कि ये कितने देर में कैसा डिलीवरी हो सकती है, यानी कि फैक्टर नॉर्मल डिलीवरी के लिए 3 फैक्टर, पावर, पाथ एंड पैसेंजर। अब जो बात आते हैं हम लोग मैकेनिज्म, ये कैसे प्रोसेस होती है, इसका संभव क्या होती है, तब इसके बाद हम लोग फिर चलेंगे हम लोग इसके लाई एटीट्यूड, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे ये संभव होती है, इनिशिएट कैसे होती है लेबर, फिर हम लोग बताएंगे इसका ट्रू लेबर पेन फॉल्स लेबर पेन किसको कहते हैं। तो आज चलते हम लोग कि लेबर पेन स्टार्ट कैसे होती है, क्या प्रोसेस होती है। देखिए जब भी बच्चा जब फुल टर्म पे आ जाता है, याद रखेंगे फुल टर्म पे आने पर, फुल टर्म का मतलब क्या, यानी कि 37 वीक जैसे ही क्रॉस करता है, 38, 39, 40, 41, 42, जब भी वह फुल टर्म पे आता है, तो फुल टर्म पे आते ही फीटस का हाइपोथैलेमस मैच्योर हो जाता है। अब हाइपोथैलेमस जो होती है, हाइपोथैलेमस इस फीटस का हाइपोथैलेमस, ये किसका है, फीटस का। अब ये इसके हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलने लगता है, उसको बोलते हैं CRH बोलते हैं, CRH कॉर्टिकोट्रॉप रिलीजिंग हार्मोन्स बोलते हैं। ये क्या करता है कि फीटस के पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड फीटस के, वहां से क्या बनता है, ACTH बनता है, और फीटस के एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्शन करके ACT बनाता है। यह ACTH की होती है, फीटस के एडिनल कॉर्टेक्स पे आती है, एडिनल कॉर्टेक्स फीटस के एडिनल कॉर्टेक्स पे आता है, एडिनल कॉर्टेक्स से क्या बनता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बनता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बनता है। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है ये डायरेक्ट एक्शन करता है प्लासेंटा पे, याद रखेंगे किस पे एक्शन करता है, प्लासेंटा पे, यानी फीटस के फीटस से निकला और ये प्लासेंटा पे एक्शन करती है। प्लासेंटा पे क्या करता है, यहाँ पर एस्ट्रोजेन के लेवल को बढ़ा देता है, एस्ट्रोजेन के लेवल को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, और साथ साथ जो सेल के अंदर में कैल्शियम के कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करता है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम को बढ़ा देता है प्लासेंटा में। फिर क्या होता है, एस्ट्रोजेन के लेवल के क्या होता है, बढ़ जाने के कारण क्या होती है, यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है, वहाँ पे घट जाता है, प्रोजेस्टेरोन का एक्शन यहाँ पे कमजोर हो जाता है, जो मसल्स यहाँ पे रिलैक्स हो रही थी अब मसल्स यहाँ पे क्या होने लगता है, कंट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन मसल्स को रिलैक्स करती है, तो अब यहाँ पर एस्ट्रोजेन का लेवल बढ़ लगता है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ जाता है, इससे क्या निकलना स्टार्ट होता है, सल्फेटेज। अब ये सल्फेटेज क्या करता है कि इस कैपिलरी को तोड़ने लगता है, जो कैपिलरी यहाँ पे अटैच रहती है माइक्रोविलाई, इस कैपिलरी को ब्रेक करने लगता है, कैपिलरी को ब्रेक करने के कारण यहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं, इस प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है, कहाँ पे, एक पेल्विक का पेन होता है। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है, ये मदर के हाइपोथैलेमस में एंटर करता है, मदर हाइपोथैलेमस, अब मदर हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज कराता है, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, अब मदर के हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन बनने लगता है, और ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यहाँ पे जो ऑस्टिया में जो यहाँ पर पेसमेकर सेल्स होती है उस पर एक्शन करता है, ट्यूबल ऑस्टिया बोलते हैं यहाँ पर पेसमेकर सेल होती है, इस पर क्या करती है, वहाँ पे एक्शन करती है, और एक्शन करने के बाद वहाँ पर मसल्स को कंटेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। यहीं से स्टार्ट होता है क्या, लेबर पेन, और लेबर पेन का करेक्टर क्या होता है कि कंट्रेक्शन होती है, इंटरमिटेंट होती है,
पेन का इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ते जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पर लेबर पेन स्टार्ट होंगे, अब ये सब प्रोसेस धीरे धीरे अब यहाँ से स्टार्ट होने लगता है, यानी यहाँ तक की प्रोसेस जो होती है यह इनिशिएट करता है लेबर पेन को। जैसे जैसे सल्फेक्टेज यहाँ से बनते रहेंगे उतना ज़्यादा इंटेंसिटी जो होती है पेन का बढ़ते चला जाएगा, इसका इंटरवल जो है चेंज होता जाता है। तो लिवर पेन यहाँ जो स्टार्ट होती है, तो लिवर पेन स्टार्ट कैसे हुई यहाँ पर कि सबसे पहले यहाँ से जो सेल जो टूटती है यहाँ पर, सेल के टूटने से प्रोस्टाग्लैंडिन बनते रहता है, प्रोस्टाग्लैंडिन पेन बनाती है, ऑक्सीटोसिन यहाँ पे कंट्रेक्शन करती है और यह इंटरवल पे होती है। ये सब बातें क्या होती है इंटरवल पे होती है। तो शुरू में क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से पेन स्टार्ट होता है, लिवर पेन स्टार्ट होती है यहाँ पे, वैसे ही क्या होती है यहाँ पे यूट्राइन कंट्रेक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो कंट्रेक्टिव पेन, यूट्रस में कंट्रेक्शन भी होगी पेन भी होगी, और ये जो कंट्रेक्शन होती है 10 मिनट में लगभग 2 से 3 बार ये कंट्रेक्शन होती है यहाँ पे, और ये कंट्रेक्शन स्टार्ट होती है यहाँ पे। अब क्या होता है कि ये तो हम लोग बोल गए लिवर पेन, लिवर पेन का करेक्टर क्या होता है कि यहाँ पर जो दर्द होता है यूट्रस में उसमें कंट्रेक्शन भी होता है, इंटरवल भी होता है। तो शुरू में जो दर्द होता है 15 से 30 मिनट का इंटरवल होती है, और इस तरह से क्या होती है कंट्रेक्टिव पेन स्टार्ट होती है। इसको हम लोग इवेंट में बताएंगे, स्टेज लेवल में बता देंगे कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, इसमें कैसे कैसे होती है। तो देखिए यहाँ से जैसे ही पेन स्टार्ट होता है, पेन स्टार्ट हुआ आप पूरी कहानी आगे बताएंगे, पेन के बाद धीरे धीरे क्या होती है कि मसल्स कंट्रेक्ट होती है, यहाँ पे जो सर्कुलर मसल्स होती है ये भी कंट्रेक्ट होती है, सर्विक्स डायलेट होती है, डायलेट होने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे एक्सपल्स यहाँ पर वाटर बैग बनता है, फिर फीटल एक्सपल्सन होते हैं, फिर प्लासेंटल एक्सपल्सन होती है। ये सारे बहुत लंबी चैप्टर है, सारे हम लोग बताएंगे इसको। इसको टोटल को 4 स्टेज में बांटा गया है, स्टेज 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ तक हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे वह इनिशिएट हुई है लेबर पेन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको हम कि एक ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन किसको बोलते हैं, फिर हम बताएंगे उसमें कि लाई क्या होती है, एटीट्यूड क्या होती है, फिर उसके बाद हम बताएंगे उसमें फर्स्ट स्टेज लेबर कैसे डेवलप होती है, उसका इवेंट, सिम्टम, साइन, कॉम्प्लिकेशन, मैनेजमेंट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, हर के बारे में स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। कई वीडियो इसके चलेंगे, आप हर पार्ट पार्ट इसको देखते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हर का मैकेनिज्म जरूर बताएंगे, मैकेनिज्म क्या होती है, किस वजह से होती है, बाकी बातें हम लोग लिवर के सेकेंड क्लास में चलेंगे। थैंक्स।